धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में एक बार फिर पितृश्वर हनुमान मंदिर में भव्य और दिव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होने जा रहा है, जहां 25 मार्च के दिन 51,000 लोग एक साथ 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर अनूठा रिकॉर्ड कायम करेंगे। इस दौरान श्री श्री रविशंकर समेत तमाम साधु संत भी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे। इस अनूठे आयोजन को लेकर पितृश्वर हनुमान धाम में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पितृश्वर हनुमान धाम में बनेगा अनूठा विश्व रिकॉर्ड। 25 मार्च को 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे श्री श्री रविशंकर। विजयवर्गीय बोले, युवाओं के बीच हनुमान चालीसा ले जाना उद्देश्य। इन दिनों युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के प्रयास में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर पितृश्वर धाम स्थित हनुमान मंदिर में भव्य और दिव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें 25 मार्च को 51,000 लोगों द्वारा एक साथ 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इस आयोजन में श्री श्री रविशंकर, कनकेश्वरी देवी, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज समेत तमाम साधु संत भी शामिल होंगे। साथ ही ख्यात भजन गायक सुरेश बाडकर भी अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। वास्तव में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी की जो प्रार्थना करता है, वैसे भी हमारे शास्त्रों में है कि साक्षात हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता माता के पास गए अशोक वाटिका में, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर रहोगे। तो ये अजर अमर देवता है और निश्चित रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कि हम युवाओं के बीच में हनुमान चालीसा ले जाएं और इसके सतत कार्यक्रम करेंगे। तो संत श्री श्री रविशंकर जी रहेंगे, माँ कनकेश्वरी देवी जी रहेंगी, श्री श्री विद्याधाम के हमारे चिन्मयानंद जी महाराज रहेंगे, महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी रहेंगे, ऐसे 10-12 महामंडलेश्वर भी आएंगे और एक संत समागम भी यहाँ पर होगा बहुत बड़ा। इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब इतने सारे लोग आध्यात्मिक भट्टी में तप कर निकलेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हनुमान जी की ये जो हनुमान चालीसा की भट्टी है ना, ये भट्टी है जो एकदम हजारों लोग हनुमान चालीसा बोलेंगे। तो जैसे भट्टी के अंदर अपन मैदा डालते हैं और कैसे ब्रेड बन के निकलते हैं, बिस्किट डालते हैं उसका आटा के साथ ब्रेड बन, जैसे व्यक्ति भी अंदर और बाहर से आध्यात्मिक शक्ति से पक के निकले गए। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा अद्भुत काम है और इसलिए आप चिंता मत करो, जब इतने सारे लोग पक्के निकलेंगे आध्यात्मिक भट्टी में। श्री श्री रविशंकर के इंदौर दौरे को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आप सब लोगों को विदित है, आप लोग लगभग हर अल्टरनेट डे मेरे साथ योग मित्र के अभियान में रहते हैं। हम सुबह एक किसी वार्ड में 1 घंटा योग करते हैं, फिर उस वार्ड का दौरा भी करते हैं। तो ये योग मित्र का अभियान जून में कंप्लीट होने वाला था, उसके निमित्त हम श्री श्री रविशंकर जी को बैंगलोर निमंत्रण देने गए थे कि ये योग का विषय है तो आप इसके कार्यक्रम में रहें। लेकिन योग ऐसा जमा कि मार्च में ही उनका आना हो गया, तो सहर्ष वहीं से 27 तारीख की सुबह का 25 का कार्यक्रम यहीं इसी स्थान पर 51,000 भक्त एक साथ 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगले दिन विज्ञान भैरव होगा, उसके अगले दिन 27 को सुबह पूरा इंदौर शहर श्री श्री रविशंकर जी के साथ योग करेगा। और हर सोमवार, चूंकि वो रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र पूजा सोमवार को शिव भगवान की ऐसी आराधना है जो संगीत और आध्यात्म के साथ लोगों के बीच एक नया उत्साह और ऊर्जा देने का काम है। तो 27 तारीख की सुबह दशहरा मैदान पर इंदौर शहर के सभी लोग 1 घंटा योग सत्र के बाद
गुरु जी के प्रवचन और रुद्र पूजा में शामिल होंगे। तो अपने आप में इंदौर के लिए ये तीन दिन जो हैं अलग ऊर्जा का केंद्र होगा, और विशेषकर तब जब नवरात्रि चल रही हो। तो नवरात्रि के इस अवसर पर इंदौर वैसे स्वच्छता में नंबर वन है, स्वाद में भी नंबर वन है, सेवा में भी नंबर वन है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से पूरे भारत को नए तरीके से जोड़ा जाए, उस भाव का ये कार्यक्रम है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि शहर में अधिक से अधिक लोग इस तीन दिन के भक्ति भाव का लाभ लें, ऐसा आपसे आग्रह है। और इसके पूरे बृहद स्वरूप को, इसके भाव को माननीय काल कैलाश जी अब हमसे साझा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति की शहर इंदौर में एक बार फिर पितृश्वर हनुमान धाम में भव्य और दिव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होने जा रहा है, जहां 25 मार्च के दिन 51,000 लोग एक साथ चार बार हनुमान चालीसा का पाठ कर अनूठा रिकॉर्ड कायम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।